हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिवें कि तुसी जानते हो, आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लई। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो, सो दैट तुहानू डेली दी अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, अज आप केमिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट की है उसनों कॉन्टीन्यू करांगे, जो तुहाडे मास्टर कैटर एग्जाम दे लई मोस्ट इंपोर्टेंट रहन वाली है। स्टार्ट कर दें, अज आप ऑरगैनिक कैमिस्ट्री द चैप्टर 2 जो कि हाइड्रोकार्बन है उसका पार्ट 2 करांगे। आई होप तुसी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हो ते तुहानू पार्ट 1 दे बेसिक्स भी क्लीयर हो चुके हैं। अगर तुहानू कोई भी डाउट होंदा तो तुसी नाल दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकदे हो। स्टार्ट करदे हां, लास्ट आपां जो हाइड्रोकार्बन किया सी उस दे विच एल्केन्स डिस्कस किए सी, एल्केन डिस्कस किए से। अज आप गल करांगे एल्कीन्स दे बारे। स्टार्ट कर दें, देखो एल्कीन्स की होंदे है। सब तो पहला गल करांगे एल्कीन दी। एल्कीन्स की ने अनसैचुरेटड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटड हाइड्रोकार्बन मीनस हाइड्रोजन एंड कार्बन दे विचकार बॉन्डिंग, बट इस दे विच की आ जाएगा डबल बोंड आ जाएगा। जो एल्कीन्स है इसका मतलब की है डबल बोंड बिटवीन कार्बन कार्बन, कंटेन्स भी कर सकते, मतलब कार्बन ते कार्बन दे विचकार की होगा डबल बोंड होगा कोई भी मोलीक्यूल। जनरल अगर फॉर्मूले की गल करा तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होंगे CnH2n, क्लियर, CnH2n। अगर आप गल करिए, देखो जिमें CN1 ले लिया तो अपने को बन जू H2। अगर आप गल करिए, देखो C2H की बन जूगा 4, C2H4। अगर दो कार्बन लें तो अपने को बन जूगा C2H4। देखो हम एक किस तरह नाल होंगे है, अगर तुसी कोई भी एग्जाम्पल लैके देख सकते हो। जिमें इथाइलीन की गल करांगे, C2H4 किसका फॉर्मूला होंगे इथाइलीन का, तो किस तरह नाल बनेगा CH2 डबल बोंड CH2। देखो चार की हो गए अपने को हाइड्रोजन, हो गए चार की हो गए हाइड्रोजन, दो की हो गए कार्बन, तो एक किसका फॉर्मूला हो गया अपने को इथाइलीन का। पिछे की आएगा ENE का की मतलब होंगे जो तो आप की लैके चल रहे हैं डबल बोंड लैके चल रहे हैं। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। देखो जो कार्बन डबल बोंड कार्बन आपने लिए है, कार्बन डबल बोंड कार्बन, इस दे विच अगर मैं गल करा ये किस तो बने होंगे है, ये सिगमा बोंड्स तो बने होंगे है, और जो पाई बोंड है वह की करते हैं इस दे सराउंड होंगे, मीनस एक इस दे विच सिगमा बोंड होंगे, सैकेंड वन की होंगे अपने को पाई बोंड। जो पाई बोंड है ना ये की कंटेन करता है, 2 इलैक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, मीनस एक पाई बोंड दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंगे है, 2 पाई इलैक्ट्रॉन्स होंगे है, क्लीयर। इलैक्ट्रॉन्स भी किहड़े होणगे अपने को पाई इलैक्ट्रॉन्स होणगे। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं, एंड इन्ना क बेसिक्स तुहानू एल्कीन्स बारे पता भी होएगा। नैक्सट आप गल करांगे, नैक्सट आप देखते हैं जो इस दी अगर आप एल्कीन्स की गल कर रहे हैं, तो देखो आप सब तो पहला गल करांगे कि किस तरह नाल इसनों प्रिपेयर किया जा सकता है, मीनस प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स की गल करांगे। सब तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप किस तो प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स तो, किस तो प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हैलाइड जिथे आ गया इसका मतलब की है इस दे विच आपा की लवांगे हैलोजन फैमिली नू की कर रहे हैं इनकलूड कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स तो आपा एल्कीन बनावांगे। किस तरह नाल बनाओगे, बाय एलीमिनेशन मैथड। जदों आपा किसी चीज़ नू की कर दें एलीमिनेट कर दें तो उस तो आपा की बनवा लाँगे, की बना लाँगे, एल्कीन्स बना लाँगे। एग्जाम्पल की गल करते हैं, मैं कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, देखो कार्बन सिंगल बोंड कार्बन नाल की लग गया अपने को HX अल्काइल हैलाइड, बन गया अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला। इस तो मैंने अल्कोहलिक सल्यूशन ऑफ KOH की प्रेजेंस दे विच की करवाता, रिएक्ट कराता, हीट करता, तो अपने को की फॉर्म हो जाएगा, अपने को बन जाएगा एल्कीन कार्बन डबल बोंड कार्बन, नाल की हो जाएगा HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड की हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, क्लीयर। इसनों आप बोलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, किस दी प्रिपरेशन की आपने एल्कीन दी प्रिपरेशन की है, क्लीयर है जी। इसनों एग्जाम्पल लैके भी समझ सकते हैं, जिमें हूँ अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा, ईजीएसट एग्जाम्पल ब्रोमो इथेन ले लें अपन, CH3 CH2
बी आर, बी आर की अपने को ब्रोमाइन, केरा की हो गया हेलोजन ग्रुप हो गया। इस दी रिएक्शन करवाती अल्कोहलिक के ओ एच दी नाल की करवाता अपने हीट करवाता। तो जसदो इसनों आप हीट करावे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक के ओ एच अपने को बन जूगा एथीन बन जूगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। क्लीयर, नाल की आ जाएगा के बी आर प्लस के बी आर की है रिलीज़ हो जाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड नाल की रिलीज़ हो जाएगा वाटर। क्लीयर, अपने को बन गया डबल बॉन्ड का कंपाउंड फॉर्म हो गया। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। सेकेंड पॉइंट है जो आप अल्कोहल तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो अल्कोहल तो प्रिपरेशन करवाने के लिए आप लवेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मीनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नाल की लग्या होएगा अपने को एच, इस दे नाल की लग्या ओ एच ग्रुप लग्या होएगा। ठीक है जी, जदों हुण इसनों आपां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स नूं अगर आपां एल्कीन्स दे विच कन्वर्ट करना है तो इत्थों की हो जाएगा वाटर की हो जाएगा लूज़ हो जाएगा। जदों वाटर की होएगा लूज़ होएगा तो अपने कोल की बन जाएगा एल्कीन्स बन जाएंगे सी डबल बॉन्ड सी की हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। इस तरह नाल रिलीज़ की हो गया नाल अपने को एच टू ओ वॉटर की करता अपने रिलीज़ करता। इस तरह नाल भी आप बना सकते हैं एल्कीन, इसनों की किया जाता है डीहाइड्रेशन रिएक्शन। डीहाइड्रेशन का मतलब की होंगे लूज ऑफ वॉटर, इस दे विच आपने वॉटर ही लूज़ किए तो इसनों की किया जाता है डीहाइड्रेशन रिएक्शन किया जाता है। क्लीयर होया, आई होप तुहानू ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट आप गल करांगे थर्ड पॉइंट की कि किस तरह नाल आप होर प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड है, थर्ड अगर आप गल करिए एल्कीन्स की फॉर्मेशन की जाती है एल्काइन्स तो मीनस ट्रिपल बॉन्ड्स तो एल्काइन्स फ्रॉम एल्काइन्स तो भी आप एल्कीन्स बना सकते हैं। किस तरह नाल बना सकते हैं, देखो इस दे विच की है लिंडलर कैटलिस्ट लवेंगे आप विद द हैल्प ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट आप बना सकते हैं एल्कीन्स बना सकते हैं। किस तरह नाल एग्जाम्पल लैके समझते हैं, सब तो पहला आप ब्यूट ट्यूइन ले लेंगे। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुसी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री की बन गया अपने को चार कार्बन है ब्यूट। सैकेंड दे की लग रहा है आयन ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो ब्यूट टू आयन। इसनों की है रिएक्ट करावे आप लिंडलर कैटलिस्ट नाल की लिख दूँगी मैं एल सी शॉर्ट दे विच लिख रही हूँ। देखो लिंडलर कैटलिस्ट किस तो बनता है प्लैटिनियम कैटलिस्ट तो बनता है। ठीक है जी, इस दे विच कैल्शियम कार्बोनेट भी होंगे पॉइजनस होंगे ये अगर आप गल करिए इस दे विच की हो जाता है नाल आप किस दी रिएक्शन करावे हाइड्रोजन ऐड करांगे तो इस दे विच हाइड्रोजन की की हो जू एडिशन हो जूगी एल्काइन्स की तो वह की बना दूगा एल्कीन बना दूगा। किस तरह नाल बनेगा, देखो सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री नाल की आ जाएगा अपने को हाइड्रोजन, इस साइड की आ जाएगा हाइड्रोजन उपर की आ जाएगा सी एच थ्री। देखो ये किस दी है, अगर तुसी आप प्लस वन टू च करते होंगे सी किस दी स्ट्रक्चर बन रही है सिस दी, सिस ब्यूट टू इन दी बन रही है सिस ब्यूट टू इन मीनस सैकेंड की लग रहा है अपने को डबल बॉन्ड। सिस का मतलब है जो सेम साइड पर इको जे ग्रुप हो। ठीक है जी, उसनों आप कह दें सिस कह दें। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप करांगे कोलबेज इलैक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ रिएक्शन करांगे कोलबेज इलैक्ट्रोलाइसिस। इस दे नाल भी आप फॉर्म कर सकते हैं एल्कीन्स बना सकते हैं। देखो किस तरह नाल इस दे विच आप लवेंगे एक सोडियम या पोटाशियम साल्ट लै लेंगे। ठीक है जी, जिमें हुण मैं की लिया आप पोटाशियम लै लें सी एच टू सी ओ ओ इतने पोटाशियम का की लग गया। क्लियर, पोटाशियम साइनेट सी एच टू सी ओ ओ के। हुण इस दी जदों मैं आयोनाइजेशन आई लिख दी हां आयोनाइजेशन करवाऊंगी तो अपने को किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी सी एच टू सी ओ ओ नैगेटिव, क्योंकि जो के है ना मीनस अपने को के पॉजिटिव है ये की हो जूगा रिलीज़ हो जूगा सी ओ ओ नैगेटिव प्लस टू के दे अगर आप गल करिए एटम्स की हो जाएंगे रिलीज़ हो जाएंगे टू के पॉजिटिव। हुण देखो सिमिलरली अगर मैं एच टू ओ दी वॉटर की आयोनाइजेशन करावा तो ये भी की हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे पॉजिटिव से नैगेटिव दे टू ओ एच नैगेटिव प्लस टू एच की हो जाएगा पॉजिटिव।
क्लीयर। हुण इन्हां दोनों तो मिला के देखो एनोड ते कैथोड दी अगर आप गल करिए जो डी कार्बोक्सैलिक आयनज अपने को एट एनोड की अगर आप गल करिए डी कार्बोक्सैलेट आयन के अपने को सी एच टू सी ओ ओ नैगेटिव होने आप की किते फॉर्म किते इस दे विच मैं दो इलैक्ट्रॉन्स की कर दा टू इलैक्ट्रॉन्स जो मैं ऐड करते तो ये की कर देंगे की बन जाएंगे एथीन बन जाएंगे टू इलैक्ट्रॉन्स की करते आप रिलीज़ करते तो अपने को बन जूगा इथीन बन जू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू नाल की हो जाएगा दो मोलीक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हो गया रिलीज़ टू मोलीक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हो गया रिलीज़ हो गया। क्लीयर है जी आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके कि किस तरह नाल आपां इन्हां नू करना है। क्लीयर नैक्सट अगर आप गल करिए नैक्सट आप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लें एल्कीन्स दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फस्ट की है जो फस्ट थ्री मैंबर हैं जो फस्ट थ्री मैंबरस हैं किस दे इस फैमिली दे जिवें इथीन हो गया प्रोपीन हो गया या ब्यूटीन एक ही ने अपने को कलरलैस गैसिज है सेम ही मैंने तुहानू किस दे विच दस्या सीगा जो तो एल्केन डिस्कस किए सी एक ही हो गया अपने को कलरलैस गैसिज हो गया। ठीक है जी अगर आप गल करिए इथीन नू छोड़ के जो बाकी ने उन्होंने कोई ना कोई स्प्लीजेंट की होंगी अपने को स्मैल प्रेजेंट होंगी है स्मैल की होंगी है प्रेजेंट होंगी है इथीन नू छोड़ के एक्सैप्ट एथीन। नैक्सट आप गल करेंगे मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट की सैकेंड प्रॉपर्टी की है देखो जो एल्कीन होंगे है जनरली अगर मैं गल करा एल्कीन की इन्हों का की होंगे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट घट होंगे मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉयलिंग पॉइंट भी। क्लीयर देखो अगर आप गल करिए इस दी सोल्यूबिलिटी की तो एल्कीनस की होंगे ने इनसोल्यूबल होंगे वाटर थर्ड पॉइंट की आप गल करा ये होंगे इनसोल्यूबल होंगे किस दे विच वाटर दे विच इन वाटर दे विच की होंगे ने एल्कीनस इनसोल्यूबल्स होंगे है। क्लीयर नैक्सट आप गल करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की फोर्थ है अपने को डेंसिटी तो डेंसिटी एल्काइनस की देखो डेंसिटी की होंगी है रो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी किमें किमें इनक्रीज़ होगी जिमें जिमें मैं मास तो की करूँगी इनक्रीज़ कर दूँगी देखो डेंसिटी ऑफ एल्कीन इनक्रीज़ हो जिमें जिमें मोलीक्यूलर का साइज़ की होगा इनक्रीज़ अगर हाउ एवर आप गल करिए होंगी इन्हों की जो डेंसिटी होंगी है वह लैस होंगी है किस तो वॉटर तो लैस किस तो होंगी है वॉटर तो। क्लीयर ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सगिया याद रखनिया ने किस दिया ने अपने को एल्कीनस दिया ने। नैक्सट आप गल करा कुछ कैमिकल प्रॉपर्टीज़ बारे नैक्सट आप गल करा कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीनस देखो कैमिकल प्रॉपर्टी की गल करा फस्ट की है एडिशन रिएक्शन किस दी हाइड्रोजन दी एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह नाल होगी एथीन ले लिया आपां सी एच टू डबल बोंड सी एच टू इस दे विच आपां की कर सकते हैं एच टू हाइड्रोजन नू की कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम प्लैडेनियम। ठीक है जी एक पर्टिकुलर टैंपरेचर से इनू हीट करांगे तो अपने को बन जाएगा इथेन बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री बन जाएगा। क्लीयर ये की है देखो इनू की किया जाता कैटलैटिक हाइड्रोजिनेशन भी किया जाता मीनस जो एल्कीनस ने यह की करते हैं एडिशन भी करते हैं ध्यान दे विच रखना है। नैक्सट अगर आप सैकेंड प्रॉपर्टी की गल करिए कैमिकल प्रॉपर्टी की तो एडिशन ऑफ हैलोजन हैलोजन भी ऐड करवाते हैं ये जिमें एथीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू नाल की ऐड होगा सी एल टू क्लोरीन ऐड करवाता तो अपने को बन जूगा सी एच टू एक क्लोरीन एक साइड लग जाएगा एंड सैकेंड वन दूसरे से लग जूगा सी एल हुण ये अपने को बन गया वन टू डाईक्लोरो इथेन की बन रहा अपने को सिंगल बॉन्ड बन रहा इथेन। सिमिलरली तुसी प्रोपीन लैके भी कर सकते हो सेम होंदिया ने जो अपने फस्ट हाइड्रोजन की एडिशन करवाई है वह भी तुसी की है सिमिलरली प्रोपीन लैके कर सकते हो मीनस तुसी अपने अकॉर्डिंग भी लैके चल सकते हो। नैक्सट अगर मैं हैलोजन एसिड ऐड करवावां थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड एच एक्स ऐड करवा दा
तो देखो एल्कीन्स ने की है ईजली रिएक्ट कर जाएंगे हैलोजन एसिड के नाल ते की फॉर्म करेंगे मोनो हैलोजन हैलो मोनो हैलो एल्कीन्स की करेंगे ऐड कर लेंगे एल्केन्स सॉरी जिसनों आप एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं की बोलते हैं एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं क्लियर किस तरह नाल बनेगा देखो मैंने की ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीनस एथीन ले लिया इसकी अगर मैं रिएक्शन एच एक्स हैलोजन नाल करवा दा मीनस हैलोजन एसिड नाल करा ला तो अपने को बनेगा मोनो हैलोजन एल्केन बन जाएगा मतलब आ सिंगल बॉन्ड की हो डबल बॉन्ड किस कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के विच एक हाइड्रोजन इधर आ गया इधर की आ गया हैलोजन आ गया आ बन गया ए अपने को हैलोजन मोनो हैलो हैलो एल्केन एल्केन क्यों है क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है क्लीयर है जी आई होप तुहानू ए भी क्लीयर हो गया नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट है देखो अडिशन टू अनसमेट्रिकल एल्कीन्स जदों आपने की है आई थिंक फोर्थ रिएक्शन है अनसमेट्रिक एल्कीन्स की आप की करानी है एडिशन करवानी है तो किस तरह नाल होगा देखो पहली गल तो ये एक मारकोनीव रूल होंगे पहला मैं वो दस दा मारकोनीव रूल की होंगे आई होप तुहानू पता भी होएगा मारकोनीव रूल की होंगे इस दे विच की करते हैं आप जो नैगेटिव पार्ट है कोई भी मोलीक्यूल है उसका एक पॉजिटिव पार्ट होएगा एक नैगेटिव मीनस आइन्स जो बना दें तो जो नैगेटिव पार्ट है वह कितने ऐड हो जूगा जो नैगेटिव पार्ट है वह उस जगह पर एडिशन कर जाएगा जिथे लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ते अगर आप गल करके पॉजिटिव पार्ट की तो पॉजिटिव पार्ट कितने लगेगा जिथे की है दूसरा की है कार्बन प्रेजेंट है उधर जाके की हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ये एग्जाम्पल नाल समझ आएगा देखो एग्जाम्पल मैं ले लैनी हूँ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड की आ गया अपने को सी एच थ्री प्लस की लग जूगा एच बी आर यह जो मारकोनीव्स वाली रिएक्शन ने यह इन द प्रेजेंस ऑफ एच बी आर ही होनगियाँ वन ब्रोमो अगर आप गल करिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस के विच ही होनगियाँ हुण अगर मैं इस तो देखो मैंने की कहा सी जो नैगेटिव पार्ट है एच बी आर की बनूगा एच पॉजिटिव बी आर नैगेटिव क्लीयर जो नैगेटिव पार्ट है अपना वह किस को जाके अटैच होएगा जिथे कि अपने को लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिथे अपने को है लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस जगह पर हो गया ठीक है जी क्योंकि कोई हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट तो अगर आप गल करिए पॉजिटिव की वह कितने जाएगा हाइड्रो जो पॉजिटिव पार्ट है वह कितने जाएगा अदर कार्बन एटम तो दूसरे कार्बन एटम नाल की हो जाएगा अटैच हो जाएगा जिमें इस तरह नाल तो इन दोनों का की बन जूगा सी बी आर उपर लग गया सी जिथे लैस का लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इस साइड की हो गया हाइड्रोजन एड सी एच थ्री बाकी की रह जूगा सेम सी एच थ्री एंड सी एच थ्री क्लीयर है ये अपने कोल की बन गया हूँ देखो नेमिंग करांगे आपां तो किधरों भी शुरू कर सकते हो तुसी वन टू थ्री फोर तो की बन गया टू ब्रोमो टू मिथाइल अगर आप गल करिए प्रोपेन तीन की ने अपने कोल कार्बन ने तो की बन जूगा प्रोपेन क्लीयर होया आई होप तुहानू समझ आ चुके है तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी सिमिलरली अगर आप गल करिए नैक्सट की नैक्सट के विच अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करानी है तो वह भी हो जाती है किस तरह नाल मान लो अपने कोल कोई भी एल्कीन है जस्ट अ सेकेंड हाँ जी एल्कीन ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस दे विच की करता मैं सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला होंदा एच टू एस ओ फोर इस दी की कराती एडिशन कराती तो जो हाइड्रोजन है वो की हो जाएगा एक साइड पर ऐड हो जाएगा तो बाकी जो है वह दूसरी साइड पर लग जाएगा मारकोनीव रूल लग जाएगा एच पॉजिटिव तो अगर आप गल करिए जो बाकी नैगेटिव पार्ट है वो अलग थे मैंने हमने तो मारकोनीव रूल लगाया अकॉर्डिंग टू मारकोनीव रूल अपने को प्रोडक्ट बन जाएगा इस साइड हाइड्रोजन आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट एंड दूसरी साइड की लग जाएगा अपने को नैगेटिव पार्ट की है नैगेटिव पार्ट के अपने को जस्ट अ सेकेंड ओ एस ओ थ्री
H2SO4 से ना मैंने उसनों ब्रेक करके लिखता तो अपने को बन गया अलकाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये तुसी की है ध्यान दे विच रखोगे। आई होप तुहानू अज की है सारे कंसैप्ट क्लीयर हो चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट होंदा तुसी प्लीज़ पूछ सकते हो, कमेंट कर दिया करो, आप उस डाउट नू क्लीयर कर देंगे तुहानू। हाँ जी, अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो नू लाइक करियो, शेयर करियो अपने फ्रेंड्स के नाल मैक्सीम टू मैक्सीम, एंड फीडबैक दे दिया करो। तो टैलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो अगर तुसी हजे तक टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू सो मच। आई होप तुहानू वीडियोज़ अच्छी लगदियाँ होनगियाँ। थैंक यू।